जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का मौका मिला तो एंकरों ने उनको पूछा, आप थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, जेब में बटुआ रखते हैं क्या, खाना बनाना जानते हैं या नहीं, रात में कितने देर सोते हैं, आप इतने हंसमुख क्यों हैं, सिनेमा देखते हैं या नहीं। और वही एंकर नर्स और डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, अस्पतालों में बेड कम क्यों है, दवाओं की सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, एंसेफेलाइटिस से निबटने की रणनीति क्यों नहीं है, पत्रकारिता की मृत्यु हो चुकी है, आप चाहे तो 2 मिनट का मौन रख सकते हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अस्पतालों की कम संख्या, पर्याप्त बेड न होना, दवाओं की सप्लाई में कमी, एंसेफेलाइटिस से निपटने की किसी रणनीति का न होना, आयुष्मान भारत का दम तोड़ना, ये सब नीतिगत प्रश्न हैं। इनके जवाब दिल्ली या पटना में है, निर्माण भवन में है, सचिवालय में है, मोदी और नीतीश के पास है, आईसीयू में नहीं। और आईसीयू जाने का कुछ कायदा होता है, मुंह पर मास्क लगाना होता है, शू कवर पहनना होता है, क्या पता तुम्हारी मूर्खता से ही कुछ और बच्चे मर गए हो। अगर टीवी एंकर इन नीतिगत सवालों का जवाब नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय आदि से जानना चाहते हैं और उनके मुंह में माइक ठूस रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि सरकार और संस्थाएं कैसे काम करती है, किन की क्या जिम्मेदारी होती है। और बुनियादी बात, पत्रकारिता के किसी स्कूल में उन्हें तत्काल दाखिला ले लेना चाहिए। भारत में पत्रकारिता अबोध बच्चों के हाथ ही है।